नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आज हम आए हैं फरीदाबाद के एक ऐसे खूबसूरत गार्डन में जो कुछ समय पहले तक एक डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज ये बेहद खूबसूरत और कलरफुल है। और ये जगह देखकर, ऐसे अरेंजमेंट्स देखकर आपका भी आई एम श्योर मन कर रहा होगा कि काश हमारा टेरेस गार्डन भी ऐसा ही हो। लेकिन आज के समय में पानी और स्पेस की कमी के चलते हमारा ये सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो आपको बताएंगे कि पानी और जगह की कमी के चलते भी आप ऐसा ही खूबसूरत अरेंजमेंट अपने टेरेस गार्डन में भी इजीली कर सकते हैं। देखिए, जो आप अभी देख रहे हैं, ये मेरा एक सकुलेंट सेक्शन है जिसको मैंने नाम रखा है सकुलेंट पैराडाइज। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सकुलेंट्स, स्पेशली क्रेसुलेसिया फैमिली मैंने यहाँ पे ग्रो कर रखी है। इसके अंदर मैंने ट्रे गार्डन्स बना रखे हैं, मैं एक एक कलेक्शन भी करता हूँ और साथ साथ मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ अपना जितना भी दिमाग चलता है कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता हूँ इसके अंदर। और ये सब आप देख सकते हैं, कुछ फोटो फ्रेम्स में बना रखा है, कुछ ग्लास के अंदर कर रखा है, कुछ हमने एनिमल पॉट्स के अंदर कर रखा है, कुछ भी हम इसके अंदर बना देते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग हमेशा ये बोलते हैं कि घर में कैक्टस सकुलेंट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो मिथ मैंने ख़त्म कर दी। और अब इस समय हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग सकुलेंट्स की तरफ उत्साहित हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये खूबसूरत बहुत लगते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो एक फूलों की तरह ही खिलती है। ये अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि फूल ही खिलता आ रहा है, आपको कुछ पौध नहीं लगानी है और आपको वेट नहीं करना, ये जैसे ग्रोथ लेता है तो एक फूल की तरह ही ग्रोथ लेता है। और जो बेस्ट पार्ट, में एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा, दैट इज़ सेव वाटर का जो आजकल हम अभियान चला रहे हैं, पानी बहुत कम है। तो ये आपको बेनिफिट इसमें ये होगा कि आपको इसके अंदर पानी बहुत कम डालना होता है इसके अंदर, और ये बहुत ईजिली ग्रो जाते हैं। और जैसे अभी जैसे जितना जितना ठंड पड़ती है उतना ये ग्रो करते हैं। ये मैंने जो बनाया है ये एक सकुलेंट, इसको मैं टेंपल बोलता हूँ। और इसके अंदर जैसे हमारे नेचर के अंदर जो ये सकुलेंट्स हैं ग्रो होते हैं, मैंने एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर इसमें बना के दिया है। इसमें स्लोप दी है जैसे पहाड़ों पे उगते हैं, बिकॉज ये सारे जो हैं सारे तो विंटर ग्रोइंग हैं प्लांट्स, और इसको हमने नेचर के अंदर जैसे ग्रो करते हैं वो ऐसे इसको हमने बनाया हुआ है। और सारे बहुत ही ऑर्डिनरी वेराइटीज़ हैं, कोई ऐसी वेराइटीज़ नहीं है जो आपको आप जाएँ नर्सरी में आपको ना मिले, बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइजेस पे मिल जाती हैं। और इससे आप अपने छोटे से एरिए को आप एक बड़ा बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें मैंने कलेक्शंस लगाई हैं। और इसमें जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके अंदर आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ठंड हो रही है, फॉग हो रही है, कई बार हमें टेंशन होती है क्या होगा, लेकिन ये प्लांट्स ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके अंदर अगर फ्लावर आए ना आए, ये जो ग्रोथ होती है ये खुद एक फ्लावर की तरह ही होती है, ये अपने आप के अंदर ही ये फ्लावर माने जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सकुलेंट्स को ग्रो करो, ठीक है जी, और आप पानी भी बचाइए और साथ साथ इनको एंजॉय करिए। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की
की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए जानते हैं कि सकलेंस को किस तरह से ब्यूटीफुली अरेंज किया जा सकता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग आजकल क्रिसमस के अंदर पोस्टिंग्स करते हैं, नकली पेड़ लगाते हैं, उसको सजाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको एक ट्री बना दें, सकुलेंट ट्री बना दें क्रिसमस की। इसमें से भी है कि कटिंग्स जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े प्लांट डालने हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स की कटिंग्स होती हैं आप वो लीजिए। और इसके अंदर हमने इसको बना दिया और आप ये देख सकते हैं कि पूरा एक क्रिसमस का एक ट्री बन गया सकुलेंट्स का। और ये बहुत अप्रिशिएट हुआ हमारा कि यस कि कुछ समथिंग डिफरेंट है। ये देखिए आप, आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं फेरी गार्डन, ये गार्डन का पॉट है, ऐसा लगता है कि ये पॉट के अंदर ही गार्डन बना हुआ है। इसके अंदर भी आप एक अरेंजमेंट बना सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ बुके जो हम फ्लावर्स का बनाते हैं, उसकी जगह हमने ये बना दिया है सकुलेंट्स का। नॉर्मली अगर आप देखें हम बुकेज देते हैं जैसे गिफ्ट में देते हैं तो हम 4-5 दिन बाद उसको जब मुरझा जाते हैं हम फूलों को फेंक देते हैं। तो ये हमने एक ऐसा सोचा कि इन प्लांट्स का हम बुके बना लेते हैं सकुलेंट्स का, गिफ्टिंग के लिए भी, या ज़रूरी नहीं है आपने गिफ्ट करनी है, आप अपने शौक के लिए कर सकते हैं। और छोटे से पॉट के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के सकुलेंट्स लगा दीजिए और एक ये बुके तैयार हो जाता है। और अगर आप इसको देखें ये सब अभी रेड हो रहे हैं, रेड टिप्स, दैट मीन्स दे आर लैकिंग द विंटर्स, दे आर ऑल विंटर ग्रोइंग और एक और खूबसूरत हो जाते हैं, एक फूल की तरह ही खिलता है ये फूल। जैसे ये फोटो फ्रेम है, इसको आप इसके अंदर छोटे छोटे सकुलेंट्स को आप लगा दीजिए और अपने ऑफिस डेस्क पे, ड्रेसिंग पे इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये एक नया कंसेप्ट है और इसके अंदर प्लांट भी नीचे नहीं गिरता, सिर्फ ये है कि आपको इसमें छोटे 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 प्लांट्स डालने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ये ग्लास के पॉट्स हैं, इसको भी हम एक अच्छा सा सकुलेंट का अरेंजमेंट बना सकते हैं। और इसके अंदर आपको लाइट वेट रखना है आपने इसको, और इसको आप नारियल की खाद के अंदर और परलाइट डाल के बना सकते हैं, एक अच्छा अरेंजमेंट बन गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आई कि हम लोग बच्चों को रिटर्न बर्थडे पे गिफ्ट्स देते हैं, तो ये एक सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कुछ गिफ्ट बनाया जाए बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। इसके अंदर हमने एक तो एनिमल शेप है ये अट्रैक्ट करता है, और इसके साथ साथ हमने सकुलेंट्स लगा दिए। एक हमने ये बनाया है, इस प्लांट का नाम है क्रेसुला कैंपफायर। ये पॉट जो है जो आप आम में रास्ते में देखें तो बंजारे अंगीठी की तरह यूज़ करते हैं, तो हमने इसको पॉट बना दिया। तो इस टाइप का भी कंसेप्ट आप अपने उसमें डाल सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये देखिए जी, एक नेक्स्ट पॉट बास्केट की तरह है, इसके अंदर दो चिड़िया भी हैं और इसके अंदर हमने पूरा एक बुकेस की तरह इसको तैयार कर दिया है। अगर आपने किसी के यहाँ किसी को गिफ्टिंग देनी है तो आप ईजी टू कैरी भी है और आप इसको गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा ये हैं लिथॉप्स बोला जाता है इनको, दे आर नोन एज लिथॉप्स द लिविंग स्टोन्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर पड़े हैं बट एक्चुअल में ये प्लांट्स हैं, विंटर्स को लाइक करते हैं, जितनी जितनी ठंड हो रही है तब तक आप बाहर रखिए, जब गर्मी पड़ती है तब आपको इसको थोड़ा सा पार्सल शेड में डालना पड़ता है। सेंसिटिव प्लांट है लेकिन एक बार अगर ये चलने लग गया तो आपको
एक डिफरेंट चीज़ है और ज़्यादा केयर नहीं मांगता। सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आप जो सकुलेंट्स हैं इसके अंदर आपको पानी बहुत कम डालना है। लेस इज़ बेटर इज़ द राइट वर्ड फॉर देम। आप ज़्यादा पानी मत डालिए इसके अंदर और आप इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक और हमने जो इसके अंदर बनाया है शुभ लाभ। आप ये नॉर्मल सकुलेंट्स को आप ऐसी शेप दे सकते हैं और घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और बहुत आसान है इसको लगाना। सिर्फ कटिंग्स को लगाया और इसके अंदर हमने शेप दे दी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस सकुलेंट्स का एक डिफरेंट कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, इसको डिफरेंट वे दे रहे हैं कि आप इसको ग्रो भी करिए और साथ साथ इसको इन्जॉय भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम वैराइटीज़ की बात करें तो एक ये नया सकुलेंट है, इसको बोलते हैं डंकन्स कैप। इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि मिनिएचर रोजेज हैं और इसको बहुत डिमांड करते हैं ये और पसंद भी बहुत आ रहा है लोगों को। सकुलेंट्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे ये सीडम है, इसको डोंकी टेल बोलते हैं। ये सीडम जेली बीन्स है, ये गोल्डन सीडम है, दिस इज़ नोन एज क्रेसुला कैंप फायर। और ये भी एक क्रेसुला है जिसमें वाइट फ्लारिंग आती है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर नेचर के अंदर इतना कुछ डिफरेंट है आप देख सकते हैं इसके अंदर। और हम लोगों ने इसको क्या किया है कि एक बहुत अच्छे से ऑर्डिनरी प्लांट को हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया है। इसको आप अच्छे से अगर प्रॉपर सॉइल मिक्सचर के अंदर आप देखिए इसके रिजल्ट्स, अच्छा सॉइल मिक्सचर अगर आप बनाते हैं और अच्छे से पॉट के अंदर इसको डिस्प्ले करते हैं तो प्लांट की आप ग्रोथ देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स हैं। प्लांट अपने आप से आपको इन्वाइट कर रहा है, आपको बहुत खुशी देता है। तो एक अच्छा सॉइल मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से आप डिस्प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं और वेरी हेल्दी प्लांट्स। उसके बाद हमने कुछ लोगों के पास जगह की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमने ये एक पॉट ऐसे तैयार किया है जिस पॉट के अंदर हमने 6-7 वैराइटीज़ लगा दी हैं जो बहुत हार्डी हैं और आप अपने बैल्कनीज के अंदर, छत पर, आप कहीं पर भी लगाइए। और पूरा एक मिक्सचर है इसके अंदर, एक जॉइंट बुके टाइप बना दिया है सकुलेंट्स का। और इसको पानी डालने की बहुत कम ज़रूरत होती है, आप छत पे पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसका और हम जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो हम इसको हैंगिंग बास्केट्स के अंदर भी आपके बैल्कनीज में, टेरेस में हम लगा सकते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट्स के अंदर सकुलेंट को लगा दीजिए और जैसे जैसे ठंड पड़ रही है आप देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह सकुलेंट्स के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार किया जाता है और किस तरह उनका प्रोपगेशन होता है। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए फिर जानते हैं कि कैसे सकलेंस के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार किया जाता है और कैसे उनका प्रोपगेशन किया जाता है। हर प्लांट्स का अलग अलग सॉइल मिक्सचर होता है, बट सकुलेंट्स जो हमें ये ग्रो कर रहे हैं इसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पानी तो कम डालना ही डालना है। सेकेंडली, आपका जो ये जो मिक्सचर होना चाहिए ये बहुत पोरस होना चाहिए, और उसका पोरोसिटी कैसा होना चाहिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ। ये हाथ हैंडफुल आप मिक्सचर रखिए अपने हाथ में, इसको पूरा दम लगाइए और जब आप इसको खोलें तो ये बिखरना चाहिए। देखिए, जो भी प्लांट होता है वो हमेशा रूट से ग्रो करता है। अगर प्लांट को रूट ग्रो करने के लिए आपको अच्छी सी स्पेसिंग मिल जाती है तो हम ये समझेंगे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए, जो ये सकुलेंट्स हैं उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इसका सॉइल मिक्सचर, और सेकेंडली लेस वाटरिंग, पानी कम। बट अगर आपका मिक्सचर अगर पोरस होगा तो आपका प्लांट और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से शूट्स देगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा। अब इसमें क्या क्या सामान डलता है वो रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ वो है ये कच्चा कोयला, उसके बाद ये पत्ती की खाद। पत्ती की खाद में सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है पत्ती की खाद, इसमें मिट्टी बिल्कुल मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये जेन्युइन सड़ी हुई पत्ती की खाद होनी चाहिए। उसके बाद ये पूरा स्टोन्स हैं, अगर ये अवेलेबिलिटी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये तीन मेन चीज़ें हैं। उसके बाद हैंडफुल में आप नीम खली और उसके बाद ये हैंडफुल पर लाइट ये ऊपर से डाल सकते हैं। कच्चा कोयला 1/3, 1/3 और 1/3 पत्ती की खाद और पोरस स्टोन ये डालिए आप 1/3 इक्वल पार्ट में, और कुछ हैंडफुल आपको इसके अंदर जो डालना है वो नीम की खली और ये परलाइट, और उसके बाद इसको आप मिक्सचर को अच्छे से हिला लीजिए। इसको हिलाने के बाद ये आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा और आप इसको ट्रायल कर सकते हो कि आपका मिक्सचर ठीक बना है या नहीं बना। आप मुट्ठी लगाइए, इसको पूरा बंद करिए और उसको खोलिए, अगर ये खुल जाता है तो दैट मीन्स आपका मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। पोरस मिक्सचर रखेंगे, रूट आराम से कहीं पे भी मूव करे, और आप अजमा के देखिएगा कि इसके अंदर आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सिर्फ आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर इनके स्टेम्स के अंदर लीव्स के अंदर पानी होता है, और आप इसको बिना पानी के लेस वाटरिंग बोल सकता हूँ, आप 1 वीक और 10 डेज में करिए और विंटर्स के अंदर ग्रो करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। सिर्फ जो आपको मेन प्रिकॉशन रखनी है इस मिक्सचर के अंदर भी, सिर्फ है ये पोरस मिक्सचर बट बारिशों के अंदर थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसको थोड़ा सा आप शेड में कर दीजिए, बाकी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीफ प्रोपोगेशन के लिए, हम कई बार कोई प्लांट लाते हैं तो हमारी लीव्स टूट जाती है तो हम लोग नॉर्मली इसको फेंक देते थे, बट अब आपने इसको फेंकना नहीं है और इससे हम आपको प्रोपोगेशन दिखाएंगे। आप जहाँ जहाँ पर आपके पास प्लांट्स की लीव्स कोई भी वैरायटी की हो, चाहे ग्रेप्टोवेरिया की है, चाहे सीडम की है, चाहे एचीवेरिया की है, आप उसको इस मिक्सचर के ऊपर ऐसे टॉप पे ऐसे आप लगा सकते हैं। पंद्रह एक दिन बाद इसके अंदर छोटे छोटे आपके बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं मदर के साथ, तो उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा पानी का फॉयलर स्प्रे करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, इस तरीके से ही पानी डालना है, और 10-12-15 दिन बाद इस लीफ ने एक बड़ा शेप ले लिया है फ्लावर का, प्लांट का। और उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद ये जो मदर लीफ है ये धीरे धीरे डेड होनी शुरू हो जाती है, और आप यहाँ देखेंगे इस प्लांट ने एक रूट बनाना शुरू कर दिया है। जब ये रूट बना लेता है तो इसके बाद हम इसको निकाल के और अपने छोटे से पॉट के अंदर इसको हम डाल सकते हैं और हम इसको ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो तीसरा तरीका बताने वाला हूँ दैट इज़ कटिंग का, और बहुत ही आसान सा तरीका है, और उसके अंदर जो मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं सेम कोकोपीट एंड हैंडफुल पर लाइट, और ये मिक्सचर हमारा इसमें तैयार है।
कटिंग के लिए, और आपको कटिंग करने के लिए इसमें सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट सीजर की ज़रूरत है, और आप इसको प्लांट को ऐसे काटिए, और इसमें से आप चाहें तो जो नीचे के जो लीव्स हैं इनको भी आप काट लीजिए, और इस जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इनको आप फेंकेगा मत। इसको जैसे अभी हमने आपको पहले बताया कि आपने लीव प्रोपोगेशन करनी है, आप उसमें भी काम आ सकता है। और अब जो अगर बेस्ट है, अगर आप इस प्लांट को अगर एक दिन के लिए अगर आप ड्राई कर दें और नेक्स्ट डे इसको लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट अभी भी लगा सकते हैं, बट बेटर रिजल्ट्स अगर आप एक दिन वेट कर लें, इसको ड्राई कर लें। आप इसको इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर डाल के, अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दो जो स्टेम्स हैं मैंने एक दिन पहले की काटी है, एकदम से ड्राई है। आप अगर ऐसे कर लेंगे तो, अगर आप वेट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसको भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये इमीडिएट लगाने में मैं प्रेफरेंस कम करता हूँ, आप अगर इसको ड्राई करके लगाएं तो ज़्यादा फास्ट आते हैं रिजल्ट्स, जल्दी इसमें रूट आते हैं, और इसमें रूट मैक्सिमम आपका 15-20 डेज़ के अंदर अंदर आपका रूट आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हल्का हल्का आप इसमें पानी डालना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज़ इस प्लांट ने बहुत अच्छी सी रूट पकड़ ली है। और जब ये रूट पकड़ लेता है उसके बाद आप इस प्लांट को अपने किसी भी पॉट के अंदर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर कोशिश करें कि आप थोड़ा सा पोरस स्टोन डाल दें, ताकि कभी आप इसके अंदर एक्सेस वाटर डालते हो तो प्लांट को ज़्यादा पानी ना ले, वो एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, और ये देखिए एकदम से प्लांट आपका रेडी है आपका। इस तरह से आप काफ़ी प्लांट्स प्रोपोगेट कर सकते हैं। इजी आइडिया मिल गया किस तरह से स्पेस और पानी की कमी के बावजूद भी आप अपने टेरेस गार्डन को इतना ही खूबसूरती से मेंटेन कर सकते हैं और इतना ही कलरफुल बना सकते हैं। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आप सबसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।